5 मिनट का डिक्टेशन है, 90 शब्द प्रति मिनट, रेडी स्टार्ट। महोदय, हमें आवश्यकता है ऐसे संवेदनशील पर्यावरणीय न्यायालयों और न्याय प्रक्रिया की, जिसमें सामाजिक प्रतिबद्धता और सतत विकास दोनों संभव हो। सभी प्रक्रियाओं को तेज करने, मॉनिटर करने और निगरानी के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक पर्यावरणीय लोकपाल पद्धति की आवश्यकता है, जो पर्यावरण सुरक्षा के सक्रिय प्रहरी की भूमिका निभा सके और जिसमें उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालय का हस्तक्षेप ना हो सके, जो राजनीतिज्ञों की पहुंच के बाहर हो। सामाजिक कार्यकर्ता और दीन से दीन आदिवासी भी जिस तक आसानी से पहुंच सके, तथा जो जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी हो। लोकपाल पद्धति की ढांचा कार्यविधि ऐसी होनी चाहिए कि वास्तव में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण तथा जीव मंडल की अखंडता बनी रहे। अति प्राचीन उपनिवेशवादी जटिल और मूल व्यवस्था से प्रबंध कौशल, वैज्ञानिक साधन, नए नए प्रयोग करने और नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की क्षमता के अभाव में प्रौद्योगिक आतंकवाद और उन नई चुनौतियों का मुकाबला करना संभव नहीं है, जिनका सामना इस उपग्रह पृथ्वी और इसके निवासियों को करना पड़ रहा है। हमारी न्यायिक व्यवस्था अनेक प्रकार के संकटों से घिरी है और यदि हम वास्तव में पर्यावरण संबंधी मामलों के साथ न्याय करना चाहते हैं, तो ऐसे पर्यावरणीय न्यायाधिकरणों की आवश्यकता है, जिनमें विधिवेत्ता और विषय विशेषज्ञ दोनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो। इसमें भी अधिक आवश्यकता है एक उच्चाधिकार प्राप्त बहुस्तरीय लोकपाल पद्धति और कार्मिकों की, जिन्हें कार्रवाई शुरू करने, जांच करने, निर्णय लेने, निषेधाज्ञा जारी करने के व्यापक अधिकार प्राप्त हों। यह स्वायत्त संस्था होनी चाहिए, जिसमें राजनीतिज्ञों और कार्यकारिणी का हस्तक्षेप, पेचीदा नकारात्मक कानूनी अड़चने ना हों, तथा कर्मचारियों को सरकारी भय और लालच प्रभावित ना कर सकें। इन उच्च पदाधिकारियों का चयन प्रस्तावित लोकपाल बिल के अनुसार हो सकता है, तथा इनका कार्यकाल निर्वाचन आयोग के समान हो सकता है। आम नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए इन उच्चाधिकारियों तक पहुंचने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता अमेरिका के कानून की तरह स्पष्ट हो और कानून लागू करने का सांविधिक अधिकार इन अधिकारियों को प्रदान किया जाए, ताकि इसके अभाव में पर्यावरणीय न्यायालय संस्था का नैतिक पतन ना हो। पूर्ण न्याय दिलाना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ना कि केवल आदेश जारी करना। दीवानी न्यायालयों के सामान्य अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकार और कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का उल्लेख भी इस कानून में किया जाना चाहिए। न्यायपालिका
कार्यपालिका तथा प्रशासकों सभी को लोकपाल तथा पर्यावरण न्यायालयों की सहायता करनी होगी। इसके लिए शायद संविधान में संशोधन आवश्यक होगा। इस विषय में सभी राजनीतिक दलों के सहमत होने के बाद